प्रभातखबर.com विश्वास वही रफ्तार नई। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रभात खबर। भारत और चीन के बीच लद्दाख सीमा पर तनाव है। 15 जून को गलवान वैली में भारत और चीन के सैनिकों के बीच हिंसक झड़प हो गई थी। इस झड़प में भारत को अपने 20 जवान खोने पड़े थे। ये घटना रात को घटी थी। उस समय लद्दाख की गलवान घाटी की दुर्गमता खल गई थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब हिंदुस्तान अपने वीर जवानों की जिंदगियां यूं ही कुर्बान नहीं होने देगा। दुश्मन को ऐसा मुंहतोड़ जवाब देगा कि उसकी रूह कांप जाएगी। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि अटल रोहतांग टनल बनकर तैयार हो गया है। ये अटल रोहतांग टनल क्या है, इसका महत्व क्या है और इस टनल से जवानों को क्या मदद मिलने वाली है, आपको सब बताते हैं सिलसिलेवार ढंग से। अटल रोहतांग टनल को रोहतांग पास से जोड़कर बनाया गया है। लाहौल स्पीति जिले के पास बना ये टनल मनाली और लेह लद्दाख को सीधा जोड़ता है। अब मनाली से लेह जाने में 46 किलोमीटर की दूरी कम हो गई है। ये दूरी तय करने में अब महज 10 मिनट लगेंगे। इस टनल की मदद से लद्दाख पूरे साल किसी भी मौसम और परिस्थिति में साल भर देश से जुड़ा रहेगा। ये टनल कुल्लू के मनाली से लाहौल स्पीति को भी जोड़ेगी। अटल रोहतांग टनल का निर्माण 10,171 फीट की ऊंचाई पर किया गया है। इसकी लंबाई 8.8 किलोमीटर है। टनल की चौड़ाई 10 मीटर है। खास बात यह है कि अटल रोहतांग टनल दुनिया का सबसे लंबा और ऊंचा रोड टनल बन गया है। जाहिर है कि भारत के नाम एक और बड़ी उपलब्धि जुड़ गई है। इस टनल के निर्माण में पूरे 10 साल लग गए। 28 जून 2010 को इस टनल को बनाने का काम शुरू किया गया था। इसमें 4000 करोड़ रुपए का खर्च आया है। अभी 2 दिन पहले बीआरओ के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह टनल का निरीक्षण करने पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि सुरंग का काम 31 अगस्त तक पूरा कर लिया जाएगा। फिलहाल टनल के ऊपरी हिस्से में फिनिशिंग का कुछ काम बाकी है। 1 सितंबर से टनल में सफाई का काम शुरू किया जाएगा। 20 सितंबर तक अटल रोहतांग टनल का निर्माण पूरा हो जाएगा। इसके बाद पीएम मोदी टनल का उद्घाटन करेंगे। फिलहाल उद्घाटन की तारीख तय नहीं की गई है। अब आपको इस टनल की कुछ खास बातें बताते हैं। पहले ही बता चुका हूँ कि ये दुनिया की सबसे ऊंची और लंबी रोड टनल होगी। टनल में कोई भी वाहन अधिकतम 80 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल सकता है। सुरंग को घोड़े की नाल की आकार में बनाया गया है। इस टनल को बनाने के दौरान 8 लाख क्यूबिक मीटर पत्थर और मिट्टी निकाली गई। गर्मियों में जहां 5 मीटर खुदाई रोज होती थी, वहीं सर्दियों में आधा मीटर ही खुदाई हो पाती थी। टनल में एक बार में 3000 कारें और 1500 ट्रक एक साथ निकल सकते हैं। टनल के अंदर अत्याधुनिक ऑस्ट्रेलियन टनलिंग मेथड का इस्तेमाल किया गया है। वेंटिलेशन सिस्टम भी ऑस्ट्रेलियाई तकनीक पर आधारित है। DRDO ने टनल के निर्माण में अहम भूमिका निभाई है। टनल में निश्चित दूरी पर CCTV कैमरे लगे होंगे। टनल के भीतर प्रत्येक 200 मीटर की दूरी पर एक फायर हाइड्रेंट की व्यवस्था की गई है। किसी भी परिस्थिति में आग लगने की घटना होगी तो उस पर तुरंत काबू पाया जा सकता है। पंजाब यूनिवर्सिटी और टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च ने इस टनल में वैज्ञानिक शोध के लिए न्यूट्रोनो डिटेक्टर लगाने की अनुमति मांगी है। कहा जा रहा है कि इस टनल के जरिए पहाड़ों पर लगने वाले जाम से भी बचा जा सकेगा। जानकारी मिली है कि मनाली लेह रोड पर 4 और टनल का निर्माण प्रस्तावित है। चीन सीमा से लगते इलाकों और भारतीय सेना के पोस्ट तक आसान और सीधी पहुंच बनाने के उद्देश्य से इन टनल्स का निर्माण करवाया जा रहा है। अतीत में यहां अक्सर कम्युनिकेशन गैप की समस्या रही है, चाहे वो आम नागरिकों से संपर्क करना हो या फिर सेना के जवानों से। इन टनल्स के बन जाने के बाद समस्या से निजात मिल सकेगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक इसका सबसे ज्यादा फायदा लद्दाख में तैनात भारतीय सेना के जवानों को मिलने जा रहा है। पहले सर्दियों में बर्फबारी के बीच सैनिकों के बीच हथियार और रसद पहुंचाना मुश्किल काम था, लेकिन अब सैनिकों तक आसानी से तमाम संसाधन पहुंचाए जा सकते हैं। न केवल जोजिला बल्कि इस मार्ग में मौजूद तमाम सैन्य चौकियों तक जरूरी सामान वक्त तक पहुंचाए जा सकेंगे। आम लोगों के बीच भी कनेक्टिविटी बढ़ेगी।
इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। झारखंड और बिहार समेत देश दुनिया की तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए बने रहिए प्रभात खबर के साथ। धन्यवाद। प्रभात खबर.com, विश्वास वही रफ्तार नई।